अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रबाद रखे, आने वाली मुसीबतों से महफूज रखे। अल्लाह पाक आपके रोज़ी और रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। चले आज बन रही अरबीना के दस्तरखान में चिकन टिक्का सैंडविच। आज खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा था, ज़रा बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो आज हम सैंडविच बना रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली से भी शेयर करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, शुक्रिया। इस तरह ना आपने ये रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आपने इस तरह चिकन ब्रेस्ट के पीस ले लेने, इसको हम मैरिनेशन करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। करने लगे इसमें जाएंगे अभी ड्राई मसाले, आम मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये लाल कुटी हुई मिर्च हाफ टेबल स्पून जाएगा, पिसा हुआ लहसुन का पाउडर, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये हाफ टेबल स्पून अदरक का पाउडर, और ये जाएगी सफेद मिर्च पीसी हुई, जाएगी सफेद पीसी हुई मिर्च, और एक टेबल स्पून जाएगा नमक, और हाफ टेबल स्पून जाएगा पिसा हुआ जीरा, और इसमें जाएगा थोड़ा सा टिक्का मसाला। दो लेमन ले लिए थे उसका मैंने जूस ले लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा जाएगा ये पपीता पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए होता है, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, एक दो स्पून। 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखने लगी हूँ, फिर दोबारा मिलते हैं 30 मिनट के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मैरिनेट हो गया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हो गया। तो अब मैं इसको ना कुक करने लगी हूँ। थोड़ा सा आपने पैन में ऑयल डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं करना आपने। तकरीबन इसको 30 मिनट लग जाएंगे हल्की आंच पे, ना इसको छोड़ दूंगी, फिर आपने थोड़ी देर बाद इसको पलट देना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कुक कर लिया तकरीबन 20, चिकन को ना कुक कर लिया तकरीबन 20-25 मिनट लगे हैं, और माशाल्लाह लुक आपके सामने है, कितनी मज़े की प्यारी लुक आई है। अब मैं ना इसके रेशे कर लूँगी। जी मैं ना अब इसके रेशे कर रही हूँ चिकन के, यकीन जाने ये ही इतना मज़े का बना है ना कि रेशे करते करते मैंने इतना ज़्यादा खा लिया, बहुत मज़े का बना है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिलिंग कर ली है सैंडविच की, चिकन टिक्का सैंडविच की। तो अब मैं ना इसको बना रही हूँ मेकर में, सैंडविच मेकर में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको तवे पे पैन पे भी बना सकती हैं, ऊपर चाहे आपका अगर पसंद है मक्खन लगाएं चाहे ऑयल लगाएं। मैंने ऑयल लगा के अब इसको मैं बना रही हूँ। उधर सैंडविच मेकर में मैंने सैंडविच रख दिया, अब ये मैं तवे वाला बना रही हूँ। ये आपने पहले मायनीस लगा लेनी है थोड़ा सा, ऊपर से मक्खन या आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। दोनों सैंडविच की ना, ग्रिल वाले भी और तवे वाले भी, दोनों की मैंने फिलिंग ऐसे की है सेम। अब ये केचप लगा रही हूँ, बहुत मज़े की इसमें से तो खुशबू आ रही है। अब ये रेशे हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं चिकन के रेशे। स्टेप दोबारा दोहराएंगे, एक पीस मैंने ऊपर रख दिया इसके,
और फिर ये कैच भी लाएंगे। और ये मायनीज लगाएगी। आप अपनी पसंद की जो चीज़ आपको पसंद है आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं जी। ऊपर मैंने इसके मक्खन लगा लिए हैं, तो अब मैं इसको तवे पे थोड़ा सा इसको तवे पे रख के ना क्रिस्पी करूँ। सैंडविच मेकर वाला भी और तवे वाला भी, ऊपर आपने ऑयल या मक्खन लगा के इसको क्रिस्पी ज़रूर करना, फिर ही आपको मज़े का लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिकन टिक्का सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं। ये आप स्नैक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही आप लंच या डिनर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। हैवी माशाल्लाह हेल्दी फूड है, और अपने बच्चों को भी बना के दें, बहुत माशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इस तरह चिकन टिक्का सैंडविच बनाते हुए। कभी कभी देसी दस्तर खान पे बलैती माहौल भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना। चलिए अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह पाक आपको हर आने वाली परेशानी से अल्लाह पाक आप सबको बचाए, आपके रिस्क में बहुत बहुत अल्लाह पाक आपकी चीज़ों में आपकी कमाई में बहुत बहुत अल्लाह पाक का बरकत दे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।